तीन ऐसे चीजों का नाम बताइए जो हम लोग खाते हैं लेकिन उसका डाइजेशन नहीं होता है। वाटर होगा और विटामिन होंगे और मिनरल्स होंगे, ये तीन चीजें हैं जिसका डाइजेशन नहीं होता है। तीन ऐसे चीजों का नाम बताइए जो हम लोग खाते हैं लेकिन उसका डाइजेशन होता है, यानी कि वह पचते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों का डाइजेशन होता है। वह कौन सी चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, ये सब तीनों चीजें खाते हैं ना, तो हम लोगों को इससे एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है, याद रखिएगा। तो खाना खाते हैं और खाना खाकर जहाँ जहाँ फूड हमारा घूम रहा होता है, जैसे माउथ में गया, ओसोफेगस में गया, उसके बाद स्टमक में गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। बताइए एलिमेंट्री कैनाल कितने मीटर का होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो माउथ से ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के थ्रू बाहर निकलता है। इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी कि आहार नाल कहते हैं। तो ये आहार नाल, यानी कि वह नाल जहाँ से पूरा फूड जा रहा होता है, तो वह कितना फीट का होता है? 32 फीट के होते हैं शैतान। अगर मीटर में देखा जाए तो 9 मीटर के होंगे। आहार जहाँ जहाँ से जा रहा होता है, वह पूरे चीज़ों को जहाँ जहाँ से जा रहा होता है आहार नाल, उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और ये 32 फीट यानी कि 9 मीटर के होते हैं। समझ में आ गया? ग्रुप ए के लिए आप लोग बता दीजिए, ये जो माउथ है ना, इसके तीन नाम हैं, तो कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। माउथ के तीन नाम कौन कौन से? जैसे कि माउथ, ओरल और फिर बक्कल कैविटी, तीन नाम हो गए। ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन ये है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, हम लोगों को एक दिन में कितने लीटर निकलते हैं, मतलब लार ग्रंथी, लार जो टप टप चूते हैं ना, बच्चों में बहुत ज़्यादा लार निकलते हैं, इतने लार निकलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अम्मी यहाँ रुमाल वो बांध देती हैं, टपकता रहता है। तो लार वही बताना है। तो आप लोग बताइए उसके वो जो लार ग्रंथी यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स एक दिन में कितने लीटर निकलते हैं? लड़के हो जो पीछे की तरफ देख रहे हो, डेढ़ लीटर एक दिन में निकलता है। ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन ये है कि जो स्टार्च होते हैं किसको कहते हैं, आप लोग बता दीजिए। हिंदी में मंड कहते हैं, लेकिन स्टार्च हम किसको कहेंगे? स्टार्च अनाज के छिलके। बहुत अच्छा जवाब, अनाज के छिलके को ही हम लोग स्टार्च कहते हैं, और स्टार्च का थोड़ा होना जरूरी होता है जब भी फूड अच्छे से डाइजेशन होंगे, नहीं तो नहीं हो पाता है। ज़्यादा चिकने चीज़ें नहीं होते हैं, देखते हो हम लोग अखरोट वगैरह, किशमिश, काजू वगैरह खाते हैं, ये बहुत ही चिकने होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा खा लेने पर टॉयलेट होना शुरू हो जाता है, वह डाइजेशन सही से नहीं हो पाते हैं। हमारे ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है ये कि स्टमक में फूड कितने घंटे रहते हैं? स्टमक यानी कि पेट में जो फूड हम लोग खाते हैं कितने घंटे रहते हैं? घंटे बता दिया आंसर तो आप लोग के। 4 घंटे। बहुत अच्छा जवाब, 4 घंटे। सर जी, दो लोगों ने बोल दिया। आप लोग ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन ये है कि फूड कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के किस पार्ट में होते हैं? ऑप्शन है, क्या माउथ में होते हैं, या स्टमक में होते हैं, या लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, या अनस में होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, फूड कंप्लीट डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो पूरा सोखता है ना, पानी सोखता है, लेकिन वो कंप्लीट जो होता है फूड डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पूरा कंप्लीट तो उसी में हो गया। अब बताओ, अब भोजन रहे और कोई मशीन चले, तो मशीन तो चिपचिपा हो जाता है ना, तो कंप्लीट डाइजेशन तो वही हो गया, लेकिन उसका काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन या वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, वह लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। आप ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन ये है कि फूड का पाचन कहाँ नहीं होता है? ऑप्शन आपके पास है, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओसोफेगस में फूड का पाचन होता ही नहीं है। ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन ये है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कितना एक्सहेल करते हैं, यानी कि कितना निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? 4%। सही जवाब, 4% लेते हैं हम लोग, 0.3%, लेकिन हम लोग एक्सहेल कितने करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? 4% लेते हैं, 0.03%, लेकिन एक्सहेल करेंगे तो 4%। बहुत अच्छा। बी के लिए टीथ के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी।
कंट्रोल हो जाएगा।